गेमजो एक अलग ही लेवल का क्लैश बनता हुआ नजर आ रहा है। साउथ की बात करें, आपको साउथ में बहुत सारी टीम नजर आएंगी, टीम आईकू सोल भी वहीं पे है, टीम एबीटी वहीं पे है, एंट्री करते साथ रेकनिंग का स्क्वाड भी नजर आ रहा है। और यहां आईकू सोल के सामने खिलाड़ी आए, ट्रिपल मिस किया जोकर ने, लेकिन यहां पे झटका मिला है, आईकू सोल सर्वाइव करेगी। एक नहीं दो प्लेयर्स आए थे स्पर्श, वो भी गिर के नॉक हुए और आईकू सोल को एक फिनिश मिल चुका है, काफी इजी फिनिश मैं कहूंगा। सामने से खिलाड़ी आए, स्पर्श का भी मिल सकता था लेकिन गिर के नॉक हो गए। लेकिन जेरेक सेक्टर ने उनको रंगे हाथ पकड़ा है, उनका बचना थोड़ा सा एक नामुमकिन सा टास्क। दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स अभी फाइट में इन्वॉल्वमेंट, टीम एचएच के इंसीडियस को करेंगे नॉकआउट, और दूसरी तरफ से रेकनिंग लग रहा है टीम एचएच के लिए अब खलबली मचने वाली है। सर्कल के अंदर आने आने से पहले उनको ज्यादा झटके मिलने लगे और ना केवल टीम रेकनिंग, टीम आई को सोल भी उनको परेशान करती नजर आएगी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी छोड़ी, चलिए धमाका टीम एचएच का, वो आखिरी धमाका। जी हाँ, बाहर का रास्ता दिखाया गया है, सारी फाइट मतलब सारे फ्रैग्स तो उनके खाते में नहीं जुड़े, लेकिन हाँ दो से तीन फ्रैग्स उन्होंने एचएच के अपनी झोली पे तो जरूर डाल दी। यहाँ से भर दो झोली मेरी, बेहोश तो नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि प्लेस इस तरह से आते नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया होगा प्लेस आ रहे हैं, बस वो ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए देखिए अभी कोई भी बुलेट से फायर करना ही नहीं चाहता, जो भी है सब हर कोई ग्रेनेड या तो मोलोटोव ही करना चाहता है। और अभी के लिए रोनी बुला रहे हैं, दावत दे रहे कि आ जाइए आपके लिए बहुत बढ़िया करार से ग्रेनेड हमने रखे हुए हैं आप लोग के लिए। और ये देखिए थोड़े से ओवरकुक हो गए, बट फिर से एक और ग्रेनेड, तीन ग्रेनेड है उनके पास ऑलरेडी, शायद इस बार ये चौकेगा नहीं। इंसीडियस झांक रहे थे, ताका झांके अलाउड नहीं है, देखिए कितने क्लियर, इतने जो क्लोज कंपाउंड्स रहते हैं, और देखते देखते वो धमाका ये वो खात्मा करता नजर आएगा इंसीडियस का। बट रॉनी ये आखिरी ग्रेनेड के साथ देखते हैं मोक्ष का भी वो सफाया हो पाएगा नहीं, बट थोड़ा बहुत ही स्प्लैश डैमेज देखने को मिलता नजर आया। चीजें यहाँ से आपको आगे बढ़ती दिखेंगी जरूर से, एंड आई वुड लव टू सी अगर एग्रेसिव नेचर आपको यहाँ पर लॉबी का बढ़ता दिखेंगे। गाइस बस याद रख दो कि जितने भी लोग यहाँ से ग्रुप पे अपग्रेड कर रहे हैं उनको बस आई एम प्रू, ये वो है मेंबरशिप कोड से इस्तेमाल करो और आप 30 दिन के लिए वो मेंबरशिप ले सकते हैं। सो बस जाना है, आप बोलते हैं आई एम प्रो जो कि आप है ऑलरेडी, और फिर आप वहाँ से जीत सकते हो एंजॉय कर पाएंगे। बट वहीं अगर बात करें अभी के लिए तो सदाशी बस यही बोलूंगा कि बचना तो एक नामुमकिन सा ही टास्क रखा गया, लेकिन हार नहीं मानेंगे, रिवाइवल देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जिस फ्रैग के साथ। अभी के लिए काफी सोच समझ कर आगे डिसीजन यहाँ से लिया जाएगा। सामने से टीम एआर के खिलाड़ी, शायद अलीबाबा रेडर्स की ये टीम है, दूर बैठी और भी टीम्स है जो सर्कल के अंदर ऑलरेडी एक्सेस प्राप्त कर चुकी है, बट टीम आई को सोल को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चल रहा है यहाँ से अभी, मतलब एक प्लेयर को रिवाइवल देने के लिए आप मल्टीपल प्लेयर्स आ जाए, क्योंकि एक धमाका अगर कहीं से भी ग्रेड अगर आ गया तो टीम आईकू सोल को लेने के देने पड़ सकते हैं, तो इस रिस्क में क्यों जाना, आगे के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बट अभी के लिए जिसकी क्वाइट, दूसरे से रैकनिंग के क्यू 67, कुछ नए नाम भी नजर आ रहे हैं यहाँ से टीम रैकनिंग की तरफ से, देखेंगे जरूर है कौन वो एक्चुअल में, तो आप लोग भी जरूर हमारी हेल्प कीजिएगा हम कास्टर्स की, ये जो नए नाम से खिलाड़ी आ रहे हैं ये में है कौन। बट चलिए ब्लाइंड अपने ही एक्सपीरियंस के साथ अकेले से फिरते नजर आ रहे आईक्यू सोल के खिलाड़ी, एस पावर का ये डीवीएस पावर बहुत ही जबरदस्त है, दूसरे को भी डाउन करेंगे बट इस बार नहीं, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी उनके हेड तक थे, देख रहे थे काफी दूर से। और नकुल के द्वारा मैक्स के ऊपर भी कनेक्शन है, स्टेज नंबर 2 चल रहा है, बकर 5 जो है वो काफी एग्रेसिवली हमें आगे बढ़ती दिख रही है। नकुल उनके द्वारा जेजी के ऊपर भी एक कनेक्शन आएगा, जेजी का तो समापन भी आता दिखेगा जोकर के द्वारा। टीम आईक्यू सोल दे आर कंफर्मिंग ऑल दोस फ्रैग्स, बट जीजी अब अकेले बचे हैं, जीजी के ऊपर प्रहार, जीजी निकलना चाहते हैं बट क्या चेजिंग गेम चलेगी, जी हाँ बिल्कुल वो चेज गेम चलती दिखेंगी, तो जरूर से एक स्ट्रेट लाइन में अगर पकड़ लिया तब मुसीबतें काफी बढ़ने वाली हैं। और जोकर प्रयास कर तो रहे हैं, फुल स्पीड आगे बढ़ रहे हैं, तीन तीन गाड़ियां पीछा कर रही है, ऐसे तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जीजी फंसते दिखेंगे, बनते दिखेंगे और पूरी टीम ब्लाइंड यहां से खत्म हो रही है। सूर्य दिशा पे टीम आईक्यू सोल, टीम गॉडलाइक की भिड़ंत चल रही है, मुझे चाहिए, मुझे देखनी है वो फाइट स्क्रीन पे ताकि हम डिस्कशन उस पे थोड़ा ज्यादा कर पाए, और चैट में जनता भी काफी उत्सुक होगी जाने के लिए। आदित्य रॉनी को भी करेंगे डाउन, एक और अच्छा कनेक्शन,
क्या टीम माइक कुसोल वो बिखरती दिखने वाली है क्योंकि टीम गॉडलाइक का प्रहार है बट जहीं इतने साथ नहीं। चलिए जोकर वो रिटेलिएट करते देखेंगे और जोकर बताएंगे कि ऐसे ही नहीं एक एग्रेसिव टीम वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव टीम इंडिया की कहा जाता है हमें और वो एग्रेशन जोकर के द्वारा काफी बढ़िया बट आदित्य डाउन है और कोशिश की जा रही है कि आदित्य को बचाया जाए जेली के द्वारा वो स्पेस चलते देखेंगे लगातार इस पावर का नेड जॉनथन को भी करेगा डाउन। अब तो हर दिशा से टीम आईकु सोल ने घेर लिया है टीम गॉडलाइक को। टीम गॉडलाइक शुरुआत तो अच्छी थी बट यहाँ तो चीजें बैक पर चली। ये मौका है जेली, ये मौका है स्ट्रेट लाइन में पूरी टीम रोटेट कर रही है, स्ट्रेट लाइन में वो खिलाड़ी निकल रहे हैं। आप स्प्रेड आउट कर सकते थे बट जेली ने पीछे हटना ज्यादा जरूरी समझा। जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से शायद टीम एक्स पार्क के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी और क्या वो चैलेंज, क्या वो डिफेंड कर पाएगी उस पर्टिकुलर स्पॉट को, ये देखना बाकी है। और टीम मेरे ख्याल से गॉडलाइक को ना ये चीज का फायदा उठाना चाहिए यहाँ पर इनसे। यही कुछ मौके होते हैं जहाँ पे आप ना फायदा उठा के अपनी टीम को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। इस पावर दारा ग्रेनेड टीम एक्स पार्क को डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। स्प्रे गॉड की तरफ बढ़ेंगे, स्प्रे गॉड रिवाइवल करते हुए लेकिन यहाँ पे अब उठना पड़ेगा। स्प्रे गॉड को अभी के लिए तो घुटनों पे ला दिया है। काइलो वाज ऑलरेडी डाउन, टीम आईकू सो लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट बट